नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslivemp.com। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पुरानी कुछ तस्वीरें आपको याद ही होंगी। जब वो नागपुर गए थे, संघ मुख्यालय में गए थे और वहां उन्होंने संघ के जो शीर्ष सरसंचालक रहे हैं, सम्माननीय सरसंचालक रहे हैं पुराने, उनके सामने शीश भी झुकाए। उस समय माना जा रहा था कि अब बीजेपी को समझ चुके हैं सिंधिया, बीजेपी की माटी में पूरी तरह रच बस चुके हैं सिंधिया और जो उनकी दादी थी विजय राजे सिंधिया, अब उनकी राह पर पूरी तरह चल चुके हैं और संघ का हाथ भी थाम चुके हैं। ये बहुत ज़रूरी कदम माना गया क्योंकि उपचुनाव में अगर संघ साथ नहीं दे तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सिंधिया के समर्थकों को सीट निकालना शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी के लिए संघ का कार्यकर्ता बहुत तेजी से एक्टिव होता है। तो उस वक्त यही माना गया कि अब सिंधिया ने जितने भी ज़रूरी काम थे, यानी जो एक पूरा किसी चीज़ की परिक्रमा पूरी करनी होती है वैसे पूरा वो काम कर चुके हैं, सारे विधि विधान पूरे कर चुके हैं और अब वो स्थायी तौर पर बीजेपी के सदस्य बन चुके हैं। अब संघ भी उनके साथ है, जिसके बाद फिर कुछ तस्वीरें आई। हाल ही में तस्वीर आई जो प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं उनके साथ जयभान सिंह पवैया नजर आए, शायद ये कल रात की तस्वीर है जब दोनों एक साथ एक ही स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। प्रद्युम्न सिंह तोमर के फेवर में पवैया चुनाव प्रचार कर रहे थे। पर क्या वाकई संघ का साथ सिंधिया को मिल चुका है? शायद संघ का साथ है लेकिन संघ का कार्यकर्ता आज भी सिंधिया से नाराज हो सकता है। ये नज़ारा दिखा अशोकनगर की सभा में, जहां सिंधिया और सीएम शिवराज सिंह चौहान एक साथ गए हुए थे चुनाव प्रचार करने। वहां से भी अशोकनगर से और अशोकनगर की जो एक और सीट है वहां से दो जगह से बीजेपी अपना किस्मत आजमा रही है। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उपचुनाव होने हैं, जाहिर तौर पर सीट निकालना एक बड़ी चुनौती होगी, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। लेकिन जिस तरीके से विरोध अभी तक सारी सीटों पर दिखाई दिया, उससे ऐसा लगता था कि या तो वो प्रायोजित विरोध है या फिर वाकई लोगों की नाराजगी है जो सिंधिया की सभाओं में उभर कर आ रही है। पर ये वाली सभा में विरोध चौंकाने वाला था, क्योंकि ये विरोध था संघ के कार्यकर्ताओं का। बड़ा खुलकर उन्होंने विरोध जताया संघ के कार्यकर्ताओं ने। एक तो वो अपने संघ के जो उनके साथी हैं जिन पर FIR दर्ज हुई है संघ प्रचारक चेतन भार्गव पर, उसका विरोध तो कर ही रहे थे, पर उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला नजारा था जब उन्होंने सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस की भाषा में उन्हें गद्दार, दल बदलू और इस तरह वापस जाओ के भी नारे लगाए। ये बहुत चौंकाने वाली बात थी। इसका बहुत ज्यादा उल्टा प्रभाव पड़ सकता है विधानसभा चुनाव पर। जो कार्यकर्ता मतदाताओं को घर से निकाल कर पोलिंग बूथ तक ले जाएंगे, अगर वही सिंधिया के साथ नहीं है तो उनके समर्थक की या उनके साथियों की जीत बहुत मुश्किल है। खासतौर से इस बार कार्यकर्ता इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि कोरोना की वजह से लोग घर से निकलने में डर रहे हैं। ऐसे में अगर कार्यकर्ता बूस्टअप नहीं कर पाता है अपने मतदाताओं को तो वो वोटिंग बूथ तक आएंगे, पोल करेंगे, ये सब बहुत मुश्किल है। तो अब ये जो संघ की नाराजगी अभी भी बरकरार है संघ के कार्यकर्ताओं की, वो जाहिर तौर पर चिंता का विषय है और इसका हल सिंधिया और शिवराज दोनों को उपचुनाव से बहुत पहले और बहुत जल्द खोजना ही होगा। धन्यवाद।